ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभास कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। चीन, जापान और अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय जनजातीय समाज कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश के भाजपा सांसदों ने छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को आदिवासी समुदाय में शामिल करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च से पहले किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी और बच्चों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले की 210 आंगनबाड़ियों में स्टील के बने वाटर टैंक लगाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। चीन, जापान और अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इस संबंध में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। ऑनलाइन तरीके से हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना की स्थिति और संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई। ये बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलाई गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बीच कल प्रदेश में 1000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई। इसमें रायपुर जिले में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं दुर्ग जिले के धमधा उप स्वास्थ्य केंद्र में तृतीय लिंग समुदाय के लिए विशेष शिविर लगाकर इस समुदाय के सदस्यों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। केंद्रीय जनजाति समाज कल्याण राज्य मंत्री और सरगुजा की सांसद रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को आदिवासी समुदाय में शामिल करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होने पर आदिवासी समाज को बधाई दी है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जनजाति समाज कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रति आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में 12 जनजाति भाइयों बहनों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें आरक्षण व सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मांग पर विचार कर सितंबर माह में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे पारित कर दिया। इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के इन 12 समुदायों को एसटी संवर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित कर लिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि लोकसभा में इस विधेयक के पारित हो जाने से प्रदेश के 12 जनजाति समुदायों को विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा बिलासपुर के सांसद अरुण साव, रायपुर के सांसद सुनील सोनी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने भी इस विधेयक के लोकसभा में पारित हो जाने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय जनजाति समाज कल्याण मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बीते 19 दिसंबर से सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने और सेवा वितरण में सुधार लाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान आगामी 25 दिसंबर तक शिविरों के माध्यम से जन शिकायतों का समाधान किया जाएगा, साथ ही कार्यशाला जैसे आयोजन भी होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को जन शिकायत निवारण शिविर सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन कार्यक्रमों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल के साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर भी प्रसारित करने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च से पहले किसानों के खाते में जमा हो जाएगी। आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ओड़ान गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने रोहासी गांव को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की, साथ ही संडी में उपतहसील कार्यालय, ओड़गन में बिजली सब स्टेशन, ओड़ान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पलारी में एसडीएम कार्यालय खोलने सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी उन्होंने की। अपने प्रवास के दौरान श्री बघेल ने लाहौद गांव में 52,41,00,000 रूपये की लागत से 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाहौद में बिजली वितरण केंद्र और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज रायपुर के राजकुमार कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुई।
इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों और युवाओं के हित में प्रारंभ की गई नई शिक्षा नीति और खेलो इंडिया मुहिम के बारे में विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने आगामी वर्ष से आर राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की। इस मौके पर राज्यपाल ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों और भवनों के रंग रोगन में अब से गोबर पेंट से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के गौठानों में इकट्ठा होने वाले गोबर के कृषि के अलावा अन्य उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विभागीय भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोधन और श्रम का सम्मान कर छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बच्चों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले की 210 आंगनबाड़ियों में स्टील के बने हुए वाटर टैंक लगाए जाएंगे। इन्हें बनाने में चिकित्सा मानकों के अनुसार उपयुक्त स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर टैंक ले जाने वाली गाड़ी को महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से झंडी दिखाकर रवाना किया। 1500 लीटर क्षमता की यह वाटर टैंक ICICI फाउंडेशन द्वारा अपने सामुदायिक दायित्व मद से उपलब्ध कराए गए हैं। इससे आंगनबाड़ी में बच्चों तथा आम लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों में इस सुविधा के उपलब्ध होने से बच्चों और स्थानीय लोगों को जल जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकेगा। प्रदेश के स्वाधीनता सेनानी और संविधान निर्माण सभा की हिंदी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे घनश्याम सिंह गुप्त की आज जयंती है। संविधान निर्माण सभा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले दुर्ग निवासी घनश्याम सिंह गुप्त CPN बरार प्रांत की विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे। उनकी जयंती पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में घनश्याम सिंह गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाशित पुस्तक विधान पुरुष का विमोचन किया। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा धमतरी में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर लगाई गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज रंगोली स्पर्धा में 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रश्नमंच स्पर्धा का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता में 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन कल विभिन्न स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री द्वारा कथित रूप से भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग किए जाने के विरोध में आज मोर्चा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रायपुर स्थित आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। अंबिकापुर में आयोजित शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय आदिवासी लोक कला महोत्सव में दुर्ग संभाग ने विभिन्न स्पर्धाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने अलग अलग लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया। बिलासपुर पुलिस ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर सोने की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक को भी शामिल बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3.5 लाख रूपये मूल्य का सोना बरामद किया है। गरियाबंद जिले के छोरा इलाके में पुलिस ने 2 आरोपियों को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी देशी कट्टा बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे। रायगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि संदेह के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा गया है। उसके पास से 3 पिस्टल सहित अन्य हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं।
महासमुंद जिले के सुअरमार गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिलासपुर जिले के फरहदा गांव में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवती की मौत हो गई। युवती का भाई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्ग जिले के धमधा इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कोंडागांव जिले के जामपदर इलाके में एक ट्रैक्टर की टक्कर से ऑटो रिक्शा में सवार एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो रिक्शा सवार तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। इसी जिले के मसूरा टोल नाके के पास बीती रात ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायगढ़ जिले में झलमला के पास ट्रेलर की टक्कर में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सक्ती जिले के पिहरीद गांव में तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे नहाने के लिए तालाब गए हुए थे। बिलासपुर जिले के कोहरोदा गांव में घर के सामने खेल रहे एक वर्षीय बालक की घर के पीछे बने पानी के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। जांजगीर चांपा के देवरी गांव में हसदेव नदी में बीती मंगलवार को दो छात्र डूब गए थे। बलौदा थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने बताया कि इनमें से दूसरे छात्र का शव भी आज बरामद कर लिया गया है और सूरजपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 200 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन, जापान और अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय जनजाति समाज कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश के भाजपा सांसदों ने छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को आदिवासी समुदाय में शामिल करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च से पहले किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी और बच्चों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले की 210 आंगनबाड़ियों में स्टील के बने वाटर टैंक लगाए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।